गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ICICI बैंक PO के बारे में, जिसका हाल ही में अभी सितंबर में GD और PI हुआ था। तो उसका रिजल्ट डेट के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सो फ्रेंड, अगर आपने इसको अभी तक अप्लाई नहीं किया है, इसका नया रिक्रूटमेंट अभी आ चुका है, ओके, तो उसका लास्ट डेट है 30 नवंबर 2019। तो अगर उसको आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा फ्रेंड। अगर आप फ्रेशर हो तो भी उसको अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपने इसका एग्ज़ाम पहले भी दिया है तो भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कैसे क्या करना है उसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आप इसके रिजल्ट डेट की तरफ। सो फ्रेंड, काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुझे कैसे पता कि रिज़ल्ट इस दिन आएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। आज ही मैंने कॉल किया था HR में, वो आप सुन लीजिए, ठीक है फ्रेंड, सुनिए। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे ये जानना था कि अभी जो हाल फिलहाल में GD और PI हो, उसका रिजल्ट कब तक आएगा? इसका रिजल्ट आपका इस वीक के एंडिंग तक क्लियर होगा। इस वीक के एंडिंग तक क्लियर हो जाएगा? हाँ जी मैम, थैंक यू। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा कि अभी इसका रिजल्ट जो है इस वीक के एंड तक वो लोग पब्लिश कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।